बेसिक फील आ गई कि वापस से रिपीट करना पड़ेगा? आ गई सर। आ गई सर। बोलो भाई और रिपीट करें कि? हाँ बोलो सर फील आ गई। ठीक है। ठीक है तो अभी व्हाट वी विल डू इज ठीक है। तो अपन एक स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अभी आप लोग को वीडियो लेफ्ट कॉलम दिख रहा है, राइट कॉलम दिख रहा है, मिडिल ऑफ द स्क्रीन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है वीडियो? सर राइट साइड में कॉलम सर राइट बॉटम। ठीक है। अभी तुम लोग देखो क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख के स्टार्ट करते हैं वापस से। लॉग 900 टू बेस 30 कितना होगा? कितना होगा बोलो? टू टू log 289। स्क्रीन इज नॉट विजिबल येट। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। टू सर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हुआ अभी? दिख रहा है। दिख रहा है थ्री। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। माइनस फोर। कितना होगा बताओ? माइनस फोर है ना, पता है ना कैसे? 1/5 to the power c equal to 625। 1/5 की power c is equal to 625। That implies 5 की power minus c is equal to 5 की power 4, c is equal to minus 4। बोलो इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो लॉग की प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, और जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं वो तुम्हारी ऐसी हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है वो है लॉग ए टू बेस ए क्या होगा? वन। वन। हर प्रॉपर्टी के साथ मैं दो तीन एग्जांपल लिख ले रहा हूँ न्यूमेरिकल, ताकि तुमको फील क्या रहेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। पॉइंट वन टू बेस पॉइंट वन कितना रहेगा? वन। log 5 to base 5 कितना रहेगा? 1। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कि log a to base a is 1। 1। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करो।
हो गया सर। कॉपी कर लिया? यस। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है log m n to base a is equal to log m to base a plus log n to base a। प्रूफ करते हैं इसका। पहले इसका एक दो तीन एग्जांपल लिख लेते हैं। बताओ एग्जांपल्स इसके, एक तो बताओ कॉमन सेंस से सोच के बता सकते हो। लॉग सिक्स टू बेस टेन, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं बोलो। लॉग टू बेस टेन प्लस लॉग थ्री टू बेस टेन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। और एग्जांपल्स, लॉग 12 टू बेस 10, कुछ भी लिख लेते हैं ना, 15 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। लॉग 3 टू बेस 10 प्लस लॉग 5 टू बेस 10। सॉरी, प्लस लॉग 3 टू बेस 10। समझ रहा है कि आप लोगों को मैं क्या प्रॉपर्टी कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। लॉग 0.6 10, क्या लिख सकता हूँ मैं? लॉग 5 टू बेस 0.6 प्लस लॉग 2 टू बेस 0.6। इस प्रकार, इस तरीके से लॉग 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? लॉग ए 3 लॉग 2 log to base e का log क्या है? निकनेम है। log to base e का log क्या है? निकनेम। निकनेम है। ये बात चमकती है सभी को? यस सर। यस सर। अब सब लोग बताओ, क्लियर है क्या? यस सर। यस। इसका प्रूफ करते हैं फिर। कैसे करेंगे प्रूफ, सोच सकते हो? दो मिनट प्रूफ पे सोचोगे? LHS और RHS की इक्वेट कर दी। कैसे करोगे इक्वेट? हम पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं ना। क्या क्या क्या? तो हम पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में x मान के एक्सपोनेंट्स टर्म में इक्वेट करें। बढ़िया, चलो करो। एक्सपोनेंट से कैसे करोगे? एक्सपोनेंट टर्म से करो। हॉल नाइट बताओ, हॉल नाइट इसी रूम में था, देखो ट्राई करो। दो मिनट सबको देते हैं, पांच मिनट समय देते हैं, बट ट्राई करिए। मुझे क्या लगता है कि लॉग एम एन टू बेस ए को सी मान के प्रोसीड शायद कर सकते हैं, या एक्स और वाई मान के। जरा प्रोसीड कर देखिए, बनता है क्या? सर हो गया।
डन, बताओ कैसे किया सर। लॉग ए और सर लॉग एम टू द बेस ए को एक्स लिया, लॉग एम टू द बेस ए को वाई लिया, एम टू बेस ए को एक्स लिया, ठीक है, फिर लॉग एन टू द बेस ए को वाई लिया, ठीक है, फिर एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट किया तो एम इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, अच्छा एक और बात, सबको एक कलर दिखता है ना, कल ट्वेल्थ के बैच में पढ़ा रहा था, मालूम चला एक बच्ची को कलर में डिफरेंस नहीं मालूम चला था रेड और ब्लू, ठीक है, ये चमकता है। हेलो सर, नहीं समझा, समझा ना वापस, कौन सा स्टेप बताओ ना पूरा। इसको उसने ये चमकता है स्टेप। हाँ सर, ये चमकता है ना स्टेप। हाँ सर, ये स्टेप सर उसमें वो a raise to x is equal to m, मतलब डेफिनेशन दी है ना लॉग की। सुबह से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर सुबह से हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर log x raise to y is equal to z का क्या मतलब है बताओ, इसका मतलब क्या होगा, y raise to z equal to x होता है ना मतलब। तो हाँ सर, इतना क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेशन ही भूल गए। हाँ सर समझा, ये थोड़ा ना भूल सकते हो, ये क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, ये क्लियर है। अभी हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, mn का वैल्यू कितना आ गया, a raise to x into a raise to y, ये क्लियर है। हाँ सर, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई, a raise to x plus y। सर हम लोग ने उधर log a क्यों नहीं लिखा, कहाँ पे ये mn is equal to a raise to x into a raise to y log नहीं लिखा, मतलब सर वो log a mn ना, अभी तो वहां पे कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो वहां जाऊंगा। Okay, अभी तो जाऊंगा ना वहां पे। ओके सर, अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा वहां पे, सर वैल्यूज पुट कर देंगे ना अभी बस। हाँ, लॉग एम एन ए को मैंने माना सी, ठीक है, तो बताओ ए रेस टू सी इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, x plus y mn जो क्या है a raise to x plus y, बोलो यहां तक क्लियर है। यस सर, यस सर, दैट इंप्लाइज क्या आ गया, c is equals to x plus y, इतना क्लियर है। यस सर, तो इससे क्या आ गया बताओ, log mn to base a is equals to log mx, अरे यार कदे, log n to base a, ये बात चमकी क्या, अरे प्रूफ क्लियर है क्या। यस सर, यस सर, जरा कॉपी करो ध्यान से, और कॉपी करते हुए थोड़ा सा प्रूफ पे ध्यान दो। How did I prove? एक बार सोचो जरा ध्यान से।
कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, एक मिनट. हाँ अरे आपने दो में से मैसेज डिलीट कर दिया, एक में रखे रहे हैं. स्टार्ट हो गया लेक्चर ना? नहीं रोज सुबह का यही है यार, मतलब आज बात करनी पड़ेगी, शिफ्ट कर देंगे ना यार सुबह. हाँ नौ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नौ कर दो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, नौ कर दो. क्योंकि उससे कैसा है ना कि ये फालतू में खराब होता है ना यार, वो फिर दिक्कत होती है ना. जैसे मैं दो मैं दस मिनट लेता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ बिल्कुल. दूसरे वाले मैसेज डाल रखे है आपने, हटाओ. अरे हाँ कॉपी कर लिए? यस सर. अच्छा मुझे कोई बता सकता है क्या, किसे मैं अभी लास्ट टाइम पढ़ाया था किसी बैच को, जैसे नोट शेयर करता हूँ रिटर्न वाले, तो इसमें वो सेव नहीं होता है, ये मतलब व्हाइट बोर्ड के ही फॉर्मेट में इसको सेव कैसे करते हैं पीडीएफ, ताकि आपको कुछ शेयर कर पाए, उस तरीका होगा क्या, मालूम है किसी को क्या? नहीं मालूम है. चलो ठीक है. आप यूज क्या कर रहे हैं? सर आपने क्या पूछा? मैं अभी डेल के लैपटॉप पे हूँ, मैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट, बट ये सेव नहीं हो पाता है पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं नोट शेयर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, बस वो है सर. गूगल पे होगा ना? हाँ वही गूगल मारना पड़ेगा, तो यार मतलब सोचा कि तुम लोग गूगल मार दोगे यार. चलो ठीक है मैं कुछ कर लूंगा. चलो ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी लॉग एम बाई एन ए इज इक्वल्स टू लॉग ए एम माइनस लॉग एन ए. एज यूजल पहले थोड़ा प्रॉपर्टी का फील ले लें, क्या फील आएगी बताओ. लॉग
13 by 12 to base 10 क्या होगा बताओ? log 13 to base 10 minus log 12 to base 10 minus log 12 to base 10 बोलो क्लियर है? yes sir. log 25 by 9 to base 5 क्या होगा? log 25 log 25 to base 5 log 9 to base log 9 to base 5 क्लियर है? बोलो. यस सर. यस सर. हेलो बेटा, क्लियर है क्या सभी को? यस सर. यस सर. log 11 by 8 3 क्या होगा बेटा? log 11 to base 3 minus log 8 to base 3 ये क्लियर है? यस. log 7 by 6 क्या होगा बताओ? 7 minus log 6. Log क्या होता है? log to base e का nickname होता है. ये क्लियर है क्या? यस. ठीक है, तो उसका प्रूफ करें. प्रूफ कैसे होगा बताओ? log m by n a को मान लो z मान लिया. ठीक है. हेलो. यस सर. तो डेफिनेशन से डेफिनेशन से क्या आ जाएगा बोलो? m by n is equal to a to the power 7. क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है यहाँ पे? जिसको है वो बोलो, जिसको नहीं है वो नहीं बोलेगा. जिसको कंफ्यूजन है वही बोलेगा बस. क्लियर है क्या? yes. बोलो बेटा क्लियर है? तो a की पावर x is equals to m. बताओ बच्चों क्लियर है? log n to base a is equals to y. बोलिए क्या होगा? a की पावर y is equals to n. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? क्लियर है सर. ठीक है, तो अब मुझे बताओ m by अभी m by n की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? ax by a1 a to the power x minus y. लॉ ऑफ इंडाइसेस तो पढ़ाया ना मैंने, है ना? और m by n क्या होता है? z भी है. तो क्या लिख देंगे बोलिए बेटा? a की पावर z. बोलो क्लियर है? यस सर. यस सर. तो क्या प्रूव हो गया बेटा? z is equal to x minus y. ये बात क्लियर है? यस सर. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या थी बोलो? टू प्रूफ z इज इक्वल टू x माइनस y, यही था ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम का? बताओ. यस सर. चीज क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. कॉपी करिए.
एडिशन लेते हैं लॉग। सही बच्चों क्लियर है क्या है बेटा सबको? यस सर। देखो बेटा जिसको डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको डाउट है वो पूछेगा तभी समझ में आती है चीज। जितना पूछोगे उतना क्लैरिटी आती है, ये बात ध्यान रखना पढ़ाई में। अगर आप 1% भी सीरियस हो ना आईआईटी के लिए, तो ये आप दिन का एम रखा करो कि आज कम से कम 6 क्वेश्चन डाउट आए मुझे। मतलब फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, मैथ्स में 2 डाउट तो आने चाहिए आपको दिन भर कुछ क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। और जो ग्रुप है उस पे वी शुड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें AP3 भी जोड़ा हुआ है ना, वही प्रॉब्लम हो जा रही है क्योंकि आप दोनों का सिलेबस सेम चल रहा है, AP3 का सिलेबस 4 लेक्चर पीछे है। क्वेश्चंस करते रहो, मतलब थोड़ा सा, मतलब आज तो मैं दिन में खाली हूं, तो आज मैं जब कह रहा था कर दूंगा सारे मटेरियल अपलोड कर दूंगा मैं गूगल ड्राइव पे। बनाते रहना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। जितना बनाओगे समझोगे चीजों को उतना फायदा होगा। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए हैं, आगे बढ़ाऊं? यस सर। यस सर। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3। फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n, log पहले एग्जाम्पल्स लिख लें इसके, है ना, log 10 2 की पावर 6 क्या होगा बोलो? 6 log 2 log 256 15, बताओ क्या होगा? 2 log 16 to the base 15। कुछ भी लिख सकते हैं ना, है ना, अपन इसको 2 log 16 भी लिख सकते हैं, ये गलत थोड़ी ना है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 8 log 2 4 log 15 4 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 8 log 2 भी लिख सकते हैं, ये सारे सेम है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो लॉन ऑफ 100 क्या हो जाएगा बोलो? 10 log 2 ln 100 2 ln 10 ये बात चमकी? हेलो। हाँ सर। नहीं समझा? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। अरे सब लोग क्लियर है ना? तो लॉन 100 वाला एक बार बताओ। लॉन 100 वाला, 100 को लिख दो 10 स्क्वायर, लॉन 10 स्क्वायर, तो 2 जो है बाहर आ जाएगा ना, समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, और जो प्रॉपर्टी 1 थी, प्रॉपर्टी 2 थी, उसी के थ्रू प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ प्रॉपर्टी 2 क्या था, पहले ये बताओ। सर log mn टू द बेस mn a. mn का मतलब क्या होता है? m n into time. m into m dot 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 n times n time, तो कितनी बार है ये? n time n time
तो हो गया ऑटोमेटिकली प्रूफ। m की पावर n को क्या लिख सकते हैं बताओ, m m बोलो बेटा m हाउ मेनी टाइम्स n टाइम n टाइम्स है ना। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, log mn क्या था, log mn क्या था, log m plus log n m plus log n है ना। तो ये हो जाएगा ना स्प्लिट, क्या बन जाएगा log m प्लस बोलो log m प्लस बोलो चलते रहेगा हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स n टाइम्स तो क्या बन के रह गया ये n log m टू बेस b। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे सुनो तो log a b c क्या होगा बताओ तो बोलो log 10 a प्लस log log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b प्लस log बेस 10 c log c टू बेस 10 बोलते हैं, सही बोलना सीखो पहले ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या होगा log a b by c क्या होगा बताओ तो सर log a b टू द बेस 10 माइनस log टू बेस 10 माइनस log प्लस log b टू बेस 10 माइनस log c टू बेस 10। ये बात चमकती है? यस सर। तो ये वाला प्रूफ क्लियर है आपको जो मैंने प्रूफ किया अभी? कंफ्यूज हो गए? आई थिंक सिंपल ना प्रूफ, तो क्या इसमें दिक्कत था? मैं कंफ्यूजन का मुझे तो कोई सवाल नहीं लगता है। आप लोगों को क्लियर है जो मैंने प्रूफ किया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इतना क्लियर है क्या सबको प्रूफ क्लियर अच्छे से? यस सर। यस सर। आप एक्स और वाई से भी कर सकते हो। एक्स और वाई से कैसे करेंगे, करा जाए क्या? इसको अपन एक्स मान लेते हैं ठीक है, तो क्या होगा बताओ, बी की पावर, अरे दिख रहा है ना, लिख रहा है स्क्रीन, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। बी की पावर एक्स क्या हो जाएगा? अरे ये समझा क्या मैंने क्या किया? यस सर। बोलो भाई समझे? यस सर। क्या किया है इसको एक्स माना है, लॉग इस पूरे वाले लॉग को एक्स माना है, तो डेफिनेशन से बी की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा ना? यस सर। हाँ सर समझा। इसमें बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? इस वाले लॉग को क्या मान लें बोलो? फाइव मान लेते हैं ना, तो क्या हो गया बोलो? b टू पावर y इक्वल टू m। ये क्लियर है? तो n y b की पावर क्या हो गया, इसको y माने ना सर? आप ये x y वाली मेथड फिर से समझा सकते हो? मुझे समझ में नहीं आई। कौन सा? वो शुरू का समझ में नहीं आया, अभी वाला समझ में नहीं आया? हाँ सर, सर आपने वो ये वाला सर, x वाला सर, अभी वाला कह रहे हो? किसके ऊपर वाला कह रहे हो सर? अभी वाला। ठीक है मैं अगले में कर देता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो। प्रॉपर्टी
अभी जो क्या है अपने रीसेंट प्रूफ। हाँ तो ये वाली प्रॉपर्टी से हुआ ना, log m by n क्या होता है, log m minus log n ना। रब करें क्या? चार वन मिनट। यस सर डन। अरे बाकी लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। इसको आप करो डिफरेंट वाला प्रूफ करें, है ना? लॉग। हाँ सर कर लिया प्रूफ। जिसने डाउट पूछा तो उसने कर लिया कि जिसने डाउट नहीं पूछा तो उसने कर लिया? नहीं सर बताइए ना। ये प्रूफ करना है? हाँ सर। ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। लॉग बी एम की पावर एन को एक्स मान लिए तो इसका क्या मतलब होता है? b to the power x equal to m to the power n। b की पावर x यहाँ तक नहीं समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर n log b m को y मान लिया तो हम लोग को तो प्रूफ क्या करना रहेगा? तो प्रूफ क्या करना रहेगा? x इक्वल टू y, ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर। तो log b m is equals to y by n, बोलो यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर। तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, b की पावर y by n is equals to m, बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो दोनों साइड पावर n से m से, दोनों साइड पावर m से रेज कर दिया, ठीक है? क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो क्या बन गया, b की पावर y इज इक्वल टू m की पावर n। हाँ सर। ठीक है अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो क्या प्रूव हो गया? b की पावर x इज इक्वल टू, बोलो b की पावर y, की पावर y इज इक्वल टू m की पावर n, है ना? हाँ। दोनों बराबर हो गए ना बेटा? हाँ सर। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू y। हाँ सर। ओके यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सभी लोग क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। यस सर। कॉपी करो ये वाला प्रूफ। सर एक डाउट है। बोल। सर वो n log b m is equal to y वाला जो है ना, सर वो y upon n कैसे हुआ? क्या कह रहे हो यार, ये n into है ना यार, n into, भाई a into b equal to c है तो तुम b को c by a नहीं लिख सकते हो। यस सर। यहाँ पे n into log m to base b equal to y है तो n को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर समझा सर। तुम्हें लगा कि क्या है बीच में, जब बीच में कोई साइन नहीं रहता है तो क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया जाता है ना बेटा। हाँ सर। कॉपी कर लिए क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अरे कॉपी कर लिए? यस सर। तो अपन एक बार प्रॉपर्टीज जो तो लिखा है और भी होती हैं, फिलहाल में इतना कराया है उसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आप भूलो मत। क्या 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 बताओ?
log a to base one. A equal to 1. साथ में एक और लिख लेते हैं, log 1 to base b is equal to 0. दूसरा सर, हाँ सर, log a to the power n to the base a, तो वो n होगा ना? हाँ. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? log mn to base a equal to log m to base b plus log n to base b. तीसरा log m by n to base a is equal to log m base a minus log n to base a. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. चौथा बेस बी होगा ना? अरे हाँ, यहाँ क्या होगा? एन एन लॉग एम टू द बेस बी. ये फिलहाल ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. सर वो सर लॉग 1 टू बेस बी वाला इक्वल टू 0 वाला समझ सकते हैं. अच्छा एक चीज बताओ, देखो मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डांटता है बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रखा लास्ट क्लास में, तुम नोट्स नहीं पढ़ते हो. लॉग 1 टू बेस बी, लॉग 1 टू एनी बेस क्या होगा? b की पावर, भाई log 1 टू बेस b क्या होगा? समझा सर. 0. मजाक थोड़ी चल रहा है यार. नहीं नहीं, मतलब अगर प्यार से पढ़ा उसका मतलब थोड़ा मजाक करोगे, क्या नोट्स पढ़ोगे ना कुछ करोगे, हैं? ऐसे नहीं था भाई. हाँ भाई बोलो, क्लियर है? यस सर. यस सर. थोड़ा सा पहले थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ताकि आपको फील तो आए आप क्या कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़े से, मैं बुक से क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करना जरूरी है. चलो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग ए लॉग बी लॉग सी. पहला क्वेश्चन, लॉग ए की पावर 3/5 बाई सी पावर 5 बी स्क्वायर बी. लॉग ए की पावर -1 बी की पावर -1/2 सी की पावर 4/5 सी. अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो. चलो पहले 3 सॉल्व करो.
सर इन तीनों का बेस तो 10 ही होगा ना. हाँ अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट. इफ बेस इज नॉट मेंशनड, अगर बेस मेंशनड नहीं है देन इट इज टू बी टेकन एज 10. अगर बेस मेंशन नहीं है तो क्या लेना होता है आपको? 10 लेना होता है. ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करो, करके दिखाओ. सर मतलब इसमें इन क्वेश्चन इनको वो उन तीनों में एक्सप्रेस करना ना इन टर्म्स ऑफ. हाँ हाँ सर. समझ रहे हो कैसे होगा? स्टेप वाइज लिख के दिखाएं क्या क्या होगा बोलो. log a 3/5 minus log c to the power 5 plus log plus log b raised to और माइनस हो जाएगा. सर एक डाउट है, वो ब्रैकेट में होगा क्या? सी रेस टू फाइव प्लस लॉग बी रेस टू टू तो माइनस हो जाएगा. माइनस है. हाँ ठीक है. अब क्या होगा सर? 3/5 लॉग ए टू द बेस 10 माइनस 5 लॉग सी टू द बेस 10 माइनस 2 लॉग बी कहाँ तक क्लियर है? यस सर. कोई हड़बड़ी नहीं मुझे. सर दो सोच के लिखो. सर बार बार 10 लिखना जरूरी है या फिर नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, आप लोग अभी अच्छी हैबिट रखो, 10 लिखो. ठीक है सबको क्लियर है कि ऐसे कर रहे हैं कि और छोटा और करके दिखाएं? स्टेप की स्टेप सारी क्लियर? दोनों स्टेप क्लियर है कि और स्टेप करना पड़ेगा? नहीं सर क्लियर है सर. फाइनल स्टेप नहीं सर. फाइनल स्टेप फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ये जो ए का पावर रहेगा वो बाहर आ जाता है ना. ओके सर. क्लियर है? हाँ सर. डिफिकल्ट आ रहा है क्या? क्या हो रहा है बताओ? डिफिकल्ट पड़ रहा है सर? नहीं वो अचानक से ऐसे देख के थोड़ा मतलब सोचने में. चलो ठीक. Done, sir. B का कितना आंसर आया? माइनस log a माइनस हाफ log b प्लस 4/5 log. नहीं ठीक है. जिसका नहीं आ रहा था बताओ. बट आपको क्लियर है? Yes. क्या लिखेंगे? log a का पावर माइनस 1 है ना? यस सर. प्लस log log b का पावर माइनस 1 हाफ प्लस log c का पावर 4/5. क्लियर है? क्या होगा बताओ? माइनस 1 log a माइनस 1/2 बोलो बेटा log b प्लस 4/5 log c. ये क्लियर है? नहीं क्लियर है सर. हाँ बोल सर. ए और बी का पावर माइनस में तो उनको डिनोमिनेटर में डाल के फिर वैसे कर सकते हैं फर्स्ट वाले के जैसे. हाँ सेम ही आएगा. ओके सर.
तीसरे वाले का बताओ, 2 log a plus 3 log b minus 3 log c. log a square step लिखा करो भाई, b cube minus log c cube, ये 2 बाहर आएगा ना? Yes sir. तो 2 log a plus बोलो 3 log b minus 3 log c. यहाँ तक क्लियर है सभी को? yes, अभी आई थिंक कुछ लोग हो गए होंगे जिनके मन में डाउट आ गए होंगे चीजों में, इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से? पक्का? यस सर. यस सर. झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर. log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 2 32 by 243 ये सारे पिंक वाले बेस हैं, बताओ जरा. सर हो गया. क्या आंसर? log 275 minus log 2 sorry sorry आंसर बताओ. आंसर तो मैं दे, आंसर बताओ. log 75 base 2 minus log 6. नहीं, इसका आंसर, आंसर सिंपलीफाई करके आंसर कितना आ रहा है? आंसर 1 आएगा. ऐसे आएगा 1? यस सर, 1 आया. 75 बाय 16 माइनस लॉग, ये 2 अंदर जाएगा ना. हेलो बेटा. यस सर, 2 अंदर जाएगा ना, तो बोलो कितना होगा? log 2 75 by 16 into 32 by 243 into बोलो 81 by 25. ये क्लियर है क्या? 16 yes, 2 जा 81, 3 जा 25, 3 जा 3, 3 जा कितना आ गया? बस ये 2 बचा रह गया ना एक, तो क्या आ गया? log 2 to base 2 कितनी आ गई वैल्यू? वैल्यू कितनी आ गई? 1. क्लियर है कि डाउट है? बोलो इस बार. यस सर, आ गया. नहीं नहीं, बहुत लोग का नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए सर. अरे सभी क्या मैंने सबमिट करेगा तो भी 1 ही आएगा. हाँ सर, आ रहा है. वो भी आया, क्यों नहीं आएगा? कैसे भी करो, 1 तो 1 है. क्लियर है क्या सभी को?
हाँ बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का? सर इधर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये बताओ मुझे log a माइनस log b क्या होगा बोलो तो? log a into b। नहीं बेटा log a by b ना। yes. भूल गई अभी तो लिखा था। ये बताओ क्या होगा log a प्लस log b माइनस log c बोल क्या होगा? log a into b by c। हाँ तो मल्टीप्लाई क्यों किया बताओ मल्टीप्लाई क्यों किया? yes, sir, समझ गई हो तो समझ गया मुझे समझाओ मल्टीप्लाई क्यों किया? प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर है क्या? मतलब अलग अलग करूं घटिया तरीका है तो बहुत ही घटिया तरीका है कंबाइन करना सेपरेट करके बहुत घटिया तरीका क्या दिक्कत है उसको उसमें से करने में फालतू तरीका है वो चलो कर लेते कह रहे हो तो कैसे सेपरेट कैसे होगा पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ऊपर चला गया log 75 टू द बेस 2 माइनस log 16 टू द बेस 2 माइनस 2 log 5 टू द बेस 2 प्लस 2 log 9 टू द बेस 2 अब क्या बोल रहा है रुक तो जा तू बोलता गलत है ना हमेशा पहले आर्गुमेंट बोला करो सेपरेट करना बेकार तरीका है ठीक है log 275 माइनस log 216 माइनस 2 log 25 बोलो प्लस 2 log 29 इतना क्लियर है? यस सर। प्लस क्या होगा? प्लस log 32 टू द बेस 2 माइनस log 243 टू द बेस 2 सबको लोएस्ट प्राइम में चेंज कर दे तेरा ये कितना आएगा बोल 75 को क्या लिख सकता है तू बता 5 × 5 × 3 लिख सकता है यस सर क्या आएगा 3 प्लस बोल 2 log 5 क्लियर है यस सर ये क्या आएगा बोल माइनस 4 log 2 चमका यस सर वो तो फालतू मेरी जान मार रहे हैं ये क्लियर है यस सर ये वाला क्या होगा बोल 4 log 3 क्लियर है यस सर बट ये क्या होगा 5 यार तूने सुबह सुबह बैंड बजा दी ये क्लियर है yes, ये वाला क्या होगा बोल अरे यार अब बोल 5 log 3 base 2 ठीक है रे अभी बोल भाई मेरे बोलेगा ये अरे ये क्या कलर चुन लिया तुमने भाई ब्लू चुन लो ना तो ये और ये कट गए बेटा यस सर हाँ बोलोगे ये कट गया है ना तो क्या बचा इसका बचा माइनस 4 इसका बचा प्लस 5 कितना आ गया आंसर log 2 टू द बेस 2 क्लियर है क्या यस सर अभी भी कंफ्यूजन है ये क्लियर है सर हो गया क्लियर अरे ठीक है क्या
यस सर यस सर फिफ्थ प्रॉपर्टी लॉग एम बी की पावर एन इज वन बाई एन लॉग एम टू बेस पी. एग्जाम्पल्स बताओ क्या कह रहा हूं मैं. लॉग 16 15 को मैं क्या लिख सकता हूं. मैंने क्या बताया आपको लॉग 15 और 2 टू द पावर 4 और जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो 1 बाय 4 लॉग बी. और क्या हो सकता है बताओ. लॉग 1 बाय 2 हाँ मैं इसी 16 15 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. लॉग 4 square 15 क्या लिख सकता हूँ 1/2 लॉग 15 टू बेस 4. क्लियर है. लॉग 81 टू बेस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ अभी. लॉग 81 1/2 5 लॉग 81 लिख सकते हैं बेस 81. यस सर. आपको चमका है प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है. यस सर. यस सर हम इसी को भी m log b टू द पावर n बेस b हम इसी को ही लिखते हैं ना ऐसे. क्या 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 सर जो यहाँ पर LHS है सर हम इसको m log n टू द बेस b हम ऐसे भी लिखते हैं ना इसे. नहीं चमक रहा. तुम कह रहे हो कि जो यहाँ का n है उसको राइट साइड उसको लेफ्ट साइड में भेज दीजिए. नहीं सर. सर हमारी जो पिछले इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी सर वो हाँ? भी तो m वाले इसमें ही थी ना जहाँ पर 1 by n है वहाँ पर तब m था तो यही थी क्या वो. नहीं अरे नहीं वहाँ पे पावर m का था. जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी तुम्हारी उसमें पावर किसका था. m का था ना. और यहाँ पे तुम्हारा पावर किसका है. M का है. हाँ सर. B का है ना. सर मेरे को भी डाउट है. क्या अगर मन के बदले कोई और पावर रहेगा M के पास तो वैसा हो जाएगा ना कि M का जो भी पावर होगा वो अपॉन M की वन. हाँ 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 ऑब्वियसली. ओके सर. ठीक है. इसका प्रूफ क्या होगा. वैसे ही करते हैं ना फिर. लॉग बी की पावर एन को सॉरी क्या मान लें. एक्स मान लें. अरे हाँ ना. हाँ सर. एम टू बेस बी को वाई मान लें. अरे हाँ ना. हाँ सर. क्या प्रूफ करना है. टू प्रूफ एक्स इक्वल टू वाई. अरे हाँ ना. क्लियर है. अरे बोलोगे क्लियर है नहीं क्लियर है. क्लियर है सर. तो चलो भाई क्लियर है तो फिर करते हैं. पहले वाले से क्या आएगा. b टू द पावर n. b की पावर n की पावर x इज इक्वल्स टू m m. तो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बताता है. m is equal to 10 to the power x n. क्या बताता है. b to the power x n. b power n x is equal to m. क्लियर है. यस सर. अबे होना ही पड़ेगा. क्लियर है. बताया था ना. पढ़ाया था हमने. कहा ही आपको. हां सर. इस शुरुआत के लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लीजिए. ये क्या आ गया एन वाई. अरे हाँ ना. हाँ सर. हाँ सर. कैसे कैसे सर वो उस साइड वो एन उस साइड गया. बी की पावर एन वाई इज इक्वल टू एम है ना. क्या होगा रे. एम और एम तो बराबर होंगे ना.
अरे भाई हेलो सर, हो गया x इक्वल टू nx इज इक्वल टू b रेस टू n बाय देयरफॉर लेके गब्बर सिंह हो दोनों m बराबर होगा ना। हां सर हो गया ना x इज इक्वल टू y। अबे स्टेप कौन लिखेगा बे? ठीक है x इज इक्वल टू y, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे समझे क्या? अरे बोलो भाई क्लियर है, कॉपी करो भाई। हाँ सर कॉपी करो कॉपी। हाँ बोल कॉपी करो भाई। कर लिया सर। अरे सबने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस। सर लॉग 81 टू द बेस 25 है ना, उसको हम लॉग 9 टू द बेस 5 कर सकते हैं। हाँ टू टू उड़ जाएगा ना सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। पक्का ना? यस सर। एक लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, टाइम बचा है ना कि अभी हो खत्म हो? टाइम कितना बचा हुआ है? वैसे तो खत्म होगा लेकिन आप करा लो। खत्म हो गया सर 9:21 टाइम सर, 9 तक था ना। अबे तुम लोग घर में वैसे ही तो बोर ही तो हो रहे हो, कितना देखोगे नेटफ्लिक्स? पढ़ लो। नेटफ्लिक्स करने के लिए जाना है। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? बुक कलेक्ट करने के लिए जाना है, सेंटर पे जाना है स्टडी मटेरियल लेने। तो मैं ही आऊंगा ना सर, मेरे घर से सेंटर बहुत दूर है तो कुछ हो सकता है क्या? कहाँ रहते हो तुम? मलाड। मलाड? हाँ। क्या नाम है तेरा? द्रव्य। तो तू तू पलपन में थोड़ी ना आएगा ऑब्वियसली। हाँ वही तो। हाँ तो बात तो तेरा एडमिशन किस पे करवाया है, अंधेरी पे है कि बोरीवली पे है? अंधेरी है लेकिन पनवेल से बुक लेने को बोला है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं, वो तो मतलब वो तो ग्रुप में तुम एडेड हो इसलिए बोला, उनको सर को नहीं मालूम है ना। तुम बात करो ना अकबर सर से। हाँ सर बोलता हूँ। हाँ वो घर पे तेरे प्रशांत से डिलीवरी कर बता देंगे, हो जाएगा ठीक है। ओके सर। चर्च गेट सेंटर पे कब मिलेगा? चर्च गेट पे यार अकबर सर से बात करो, मिल जाएगा। ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो तुम जो द्रव्य हो तुम क्या मलाड से पनवेल आने को सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं पहले से मैं आने ही नहीं वाला था। ठीक है चलो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन, द टॉपिक विल स्टैंड एज इट इज। हाँ बेस चेंजर, बेस चेंजर लॉग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ सकते हो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो log 10 टू बेस 21 मैं क्या लिख रहा हूं, सो कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ।
log 10 upon log 21, लेकिन सर सी क्या रहेगा? कोई भी बेस, कोई भी लीगल बेस, लीगल बेस मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर का भी, कुछ भी हो सकता है सी। ये बात चमकती है? सोचो क्या नहीं समझा अभी मैंने कुछ, अरे मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैं तो अभी प्रूफ करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ समझाऊं तब तो नहीं समझेगा ना। लॉग ए टू बेस बी लिखा हुआ है, तुम उसको लॉग ए टू बेस सी, लॉग बी टू बेस सी लिख दो, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें समझना क्या है बताओ? सी सी, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बोलो? सी सी कुछ भी ले सकते हैं ना, पॉजिटिव कुछ भी मतलब पॉजिटिव नंबर जो बेस अलाउड रहता है। यस सर। हाँ तो सी को 10 ही ले लेने का ना, सबसे कन्वीनियंट रहेगा। ऐसा नहीं होता ना कई बार, मैं तो ये सिखा रहा हूँ कुछ भी ले सकते हैं। अरे अभी अभी भी समझाना है, क्लियर है? मैं क्या, मैं जो कह रहा हूँ वो क्लियर है? मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, आगे प्रूफ करेंगे भाई। मैं समझा रहा था बस तुमको, बोलो क्लियर है क्या? यस यस। अरे क्लियर है, पक्का क्लियर है? यस सर। हां सर, अभी अभी मालूम चल जाएगा सच बोले कि झूठ बोले। क्वेश्चन, प्रूव दैट लॉग ए टू बेस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग बी टू बेस ए। समझ गया ना? करो प्रूफ सर। डन। कैसे बताओ? लॉग ए कर लेने का, तो फिर लॉग ए, लॉग ए कौन, तो तुमने कौन सा बेस में चेंज कर दिया सिस्टम को? लॉग ए, बेस ए में। सही बोलो, बेस ए में है ना, बेस ए में है ना। तो लॉग ए टू बेस ए क्या होता है? 1 और नीचे में क्या आ गया? लॉग बी टू बेस ए। ये बात चमकी? मतलब इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया फिर? लॉग 5 टू बेस 7 क्या होगा? 1 बाय लॉग 7 टू बेस 5। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो सर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जैसे ही हो गया ना? हाँ, बेस रिवर्सल बोलते हैं इसको। कॉपी कर लिया?
हाँ सर कॉपी सब लोग कर लिए yes, तो सिक्स सेट में दो प्रॉपर्टी आ गई, एक थी बेस चेंजर है ना, क्या था log a टू एनी बेस b इज इक्वल टू log a टू बेस c बाई बोलो log b टू बेस c। और दूसरा क्या था, एक और दैट इंप्लाइज करके log a टू बेस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी क्वेश्चन इतना है बस कि प्रूफ कर सकते हो इस वाले का प्रूफ, सोच सकते, दो मिनट बस इसको लास्ट करते हैं फिर खत्म कर लेंगे क्लास, ठीक है। इसका प्रूफ बताओ क्या होगा, सारे एक्स ले लेंगे किसको, बी रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए कैसे करेंगे प्रूफ बताओ। लॉग ए बेस सी को एक्स मान के और फिर लॉग बी बेस सी को वाई मान के और फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एलएचएस में। अरे समझे क्या, हेलो, अभी अगर एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, log c to the power x to the base c to the power c to base x, ah kya aayega log c to base y aur c to base part c to base x log c x base c y, yeah to lhs mein gaye, bolo kya hoga log c रेस टू y और यहाँ पे c रेस टू x, क्लियर है, हेलो यस सर, क्या होगा बताओ, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा बेटा, ये जो x है ये बाहर जाएगा ना x बाय y, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा एक्स वाई नीचे डिनोमिनेटर में, ये कितना हो गया वन, तो एलएचएस किसके बराबर आ गया एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई, क्या ये प्रूफ हो गया, हाँ सर, हाँ सर, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर, समझा पक्का ना कि झूठ बोल दिए, अरे बोलो सर, समझा 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 सर, सर समझा,
डन सर। कॉपी कर लिए क्या सभी लोग? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो फिर अपन क्लास आज की रोकते हैं, बहुत ज्यादा देर पढ़ाई टाइम हो गया। ठीक है कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ अभी। ठीक है कॉपी कर लिया सबने? बाय सर, थैंक यू। कॉपी कर लिया सर।